माय नेम इज कविता कौशल, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एचपीपीएससी ने फाइनली जो पीजीटी लेवल की एग्जाम है उनकी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी स्पेसिफिक जो है ये वीडियो होने वाला है, तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए वीडियो यूजफुल नहीं होगा, पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखें। तो बायोलॉजी की टोटल पोस्ट जो है वो निकली है 9। अगर आप लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। कॉम्पिटिशन गुरु ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की ही कोचिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे ही इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, तो आप हमें कॉल करके अपनी क्वेरी को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्दर इस एग्जाम के बारे में जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्वालिफिकेशंस क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसके लिए भी अपडेटेड हमारे वीडियोज आते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि ये टोटल पोस्ट जो हैं आपकी 585 पोस्ट, इनमें से जो 9 पोस्ट हैं आपकी बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के टीचर के लिए, उस पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में बायोलॉजी स्पेसिफिक जो सेक्शन आता है वो किस तरह का रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हम कैसे डिस्कस करेंगे। जो पहले के एग्जाम हो चुके हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देख के आपको एक आइडिया होगा कि किस लेवल का ये एग्जाम रहता है, आपकी तैयारी किस तरह की होगी। तो हम ये वीडियो इसी पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा स्टडी मटेरियल, पूरी स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी और गॉड विलिंगली आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो बिना अब डिले किए वीडियो में हम सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ। अब किस चीज की सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रिकर्सर नहीं है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का पता हो तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टीरॉइड, ठीक है। तो इन चारों में ऑप्शन में से जो चीज स्टीरॉइड नहीं है उसकी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल हेल्प नहीं करेगा, ये बेसिक सी नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरॉइड हार्मोन ऑफ कोर्स ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। बाइल एसिड की अगर आप बात करें तो ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, ठीक है। बाइल में एसिड जो है, बाइल कहाँ पे बनता है, लीवर में बाइल बनता है और उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है। सॉल्ट्स से आगे बाइल एसिड बनता है, तो बाइल सॉल्ट्स वैसे यहाँ लिखा होना चाहिए बट ये भी करेक्ट है। विटामिन डी ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जब हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और उसके पाथवेज आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक विटामिन भी है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है एड्रेनालिन, ये एक हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता, इसका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल नहीं है एक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी नॉलेज अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपका है अमोनिया को लेके। अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटीरियल। तो जो अमोनिया है वो किस में एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है। अगर आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा तीन तरह के मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो तीनों में यही मेन फर्क ये रहता है कि जब तीनों को एक्सक्रीट किया जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए। सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है जब एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया हो। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि अगर अमोनिया भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहा है तो वो एक्वाटिक होना चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो इन सब में से एम्फीबियंस, टर्टल्स, टैडपोल्स, टर्टल्स भी एक्वाटिक हैं, है ना, लेकिन जो आपके यहाँ पे टैडपोल्स हैं, टैडपोल्स क्या होती है, टैडपोल ज्यादा लार्वा स्टेज है ना, वो भी आपका क्या है, एक्वाटिक होता है। टैडपोल जो है वो अमोनिया ही सिक्रीट करता है एज अ वेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा 12th क्लास में आपको फिजियोलॉजी में क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द बायोइन्फॉर्मेटिक सोर्स इज कॉल्ड। अगर बायोइन्फॉर्मेटिक सोर्स से आपको डेटा को रिट्राइव करना है, वापस लेके आना है, तो हम इसे कहते हैं डेटा माइनिंग, ठीक है। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसाइम फंक्शन एज। अब राइबोसाइम बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। तो जो राइबोसाइम होता है ये एक तरह का आरएनए है जो एक एंजाइम की तरह भी काम करता है, तभी इसका नाम क्या है, राइबोसाइम। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे से ये चीज को बताया गया है, ठीक है। तो ये आरएनए भी है, एंजाइम भी है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन
आपको पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो आप जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं 11th या 12th क्लास में, तो तब आप देखते हैं कि वहाँ पे इंजीनियरिंग में हम जीन्स को कट करते हैं, कुछ अपना डिजायर्ड जीन का फ्रेगमेंट उसमें ऐड करते हैं। तो कट करने के लिए आपको कुछ एंजाइम चाहिए, लेकिन वो कट एंड्स पे नहीं होते, विद इन द डीएनए होता है। तो वो एंडोन्यूक्लियस हैं, जोड़ने के लिए आपको लाइगेजेस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स आपको चाहिए, लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है इसका कुछ काम नहीं होता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है जी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कीस्टोन प्रेडेटर फ्रॉम अ कम्युनिटी विल रिजल्ट इन। अगर आप कीस्टोन स्पीसीज को निकाल दें तो क्या होगा, हमें पता है इकोलॉजी से कि अगर कीस्टोन स्पीसीज जो है वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखती है, अगर आप कीस्टोन स्पीसीज को निकाल दोगे तो क्या होगा, तो देर विल बी अ जर्नल डिक्लाइन इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। इकोलॉजी से आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जब आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन, ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है उसकी बात हो रही है, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो IgG, IgE, AM। तो अगर आपको पता हो सबसे पहले जो आपकी एंटीबॉडी बनती है बॉडी में वो है IgE, ठीक है, जैसे एंटीजन आता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब ये जो है आपका थोड़ा सा GK से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है इसलिए हमने इसको बायोलॉजी में डाल दिया है। तो चिल्का लेक जो है आपका, दिस इज फ्लोटिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हो आप, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और रिजर्व जो है ये आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं जब बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने की बात आती है। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन इज यूज फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। तो जो प्रेगनेंसी किट होती है उसमें एक हार्मोन जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HCG। तो HCG हार्मोन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्टेट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है, ये थोड़ा सा आपका GK का भी हो जाता है, वैसे तो इकोलॉजी का पार्ट है, ये बायोडाइवर्सिटी में से आता है। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो यहाँ पे भगवान महावीर गोवा में है, नंदनी जम्मू कश्मीर में है, नारायण सरोवर गुजरात में है, ये गलत दिया। इतुरागर्मा जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, टू हाइड्रोलाइज ATP ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ATPase इज प्रेजेंट इन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो प्रोटीन्स आपको याद रखने हैं, एक है आपका मायोसिन और दूसरा होता है एक्टिन। तो मायोसिन और एक्टिन जो है थिन और थिक फिलामेंट जिनको हम कहते हैं, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पूरा ये फिनोमिना पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पूछा है कि ATP कहाँ पे होता है, तो ATP प्रेजेंट होता है ऑन द हेड ऑफ द मायोसिन, मायोसिन के हेड पे प्रेजेंट होता है। मायोसिन में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, तो वो हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जूना पैलिसिडा इज अ नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन। अब ये एग की बात हो रही है या ओवम कह लीजिए आप, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, तो पूछ रहे हैं कि जूना पैलिसिडा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जूना पैलिसिडा आपका ऊलेमा और कोरोना, ऊलेमा मतलब ये बेसिकली मेम्ब्रेन है किसकी, एग की, तो ऊलेमा और कोरोना के बिल्कुल बीच में आपकी जूना पैलिसिडा प्रेजेंट होती है। ये लेयर्स किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक की, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओजोस्फेयर इज अ कंपोनेंट ऑफ। अब ओजोस्फेयर वो वाला रीजन होगा जहाँ पे ओजोन है, ओजोन कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बेसिक से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, ये भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन ओवरी से आता है, रिलैक्सिन भी वहीं से बनता है, प्रोजेस्टेरॉन पहले कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, बाद में प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है, लेकिन जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये वाला जो हार्मोन है ये ओवरी सिक्रीट नहीं करता, टी जो है ऑप्शन, ठीक, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जायगोट इज, अब जायगोट जो है वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो ऐसा सेल जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकता है उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो स्टेम सेल के एक सेक्शन में आप इस चीज को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका विच विटामिन हैज मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये तो आपको पता है, डाइट में भी पता लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज किस में होती हैं, विटामिन सी में, ठीक है, तो मैक्सिमम इसी में होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स इन द पोल्ट्री एग। पोल्ट्री एग, पोल्ट्री क्या होता है, हेन कॉक मतलब बर्ड्स की बात हो रही है, तो जो बर्ड है उनमें कौन सा क्लीवेज होता है, अगर आपको पता है तो आंसर मिल गया, डिस्कॉइडल क्लीवेज, ठीक है, से बनती है अलग से, क्योंकि एक तरफ इनका एग होता है, सॉरी एक तरफ एग में योक होता है, ठीक है, तो एक डिस्क से बनती है, तो डिस्कॉइडल क्लीवेज स्पेसिफिक फॉर द बर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द मैमल्स। मैमल्स में सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या आपके ईयर में बोन जो होती है एक स्टेप्स, वो सबसे छोटी होती है, ठीक है, ये भी ईयर की बोन है, जो पैटला है वो आपकी नी की बोन है, और जो कार्पल है वो आपके हांच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है कि जो कलर है आप कैसे देख पाते हैं, क्योंकि आपके आंख में क्या है, कॉन्स हैं, रॉड्स जो हैं वो आपको ग्रे की शेड्स दिखाते हैं, ब्लैक और ग्रे की, और बाकी जो कलर आप देखते हैं वो कॉन्स सेल की वजह से देख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजेज जॉन्डिस। अब ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है कि कौन सा पोल्यूशन जो है जॉन्डिस करता है। वैसे तो आपको पता होगा कि जॉन्डिस कब होता है, लिवर जब ब्रेक डाउन नहीं कर पाता बाइल पिगमेंट का, तो उसकी वजह से येलोनेस जो है ब्लड में बढ़ जाती है और आपको दिखाई भी देती है आंखों में, हाथ में, जिसको जॉन्डिस हो। लेकिन इसका कॉज क्या है, तो देर इज अ वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, है ना, तो अगर वो वायरस प्रेजेंट होगा तो भी जॉन्डिस हो सकता है। वो वायरस आपकी बॉडी में कहाँ से आ सकता है, तो अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे तो वो आपकी बॉडी में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज रेस्पिरिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए एक आप कंपाउंड का यूज करते हैं, दैट इज रेस्पिरिन, रेजरपाइन, नॉट रेस्पिरिन, रेजरपिन। रेजरपिन जो है वो कौन से प्लांट से आपको मिलता है, ठीक है, तो आपका ये प्लांट है रैनकुलस, ठीक है, अब ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। रैनकुलस जो प्लांट है, ये बॉटनी का क्वेश्चन आ गया, वो इसको देता है। नेक्स्ट है, अ गमी रेजिनियस सब्सटेंस यूज्ड एज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो गमी जो है और आपका रेजिनियस सब्सटेंस मिलता है, तो किससे मिलता है, फेरुला से मिलता है, ठीक है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये बॉटनी के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब है। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया, डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमिना सबसे पहले किसने बताया था, तो वॉशिन ने बताया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली। अब फ्लावर्स में जब हम पढ़ते हैं बॉटनी का सेक्शन, एनाटॉमी वगैरह सब, तो वहां पे क्लासिफिकेशन में आपको फैमिलीज मिलती है, तो डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेपल पेटल्स, ये सब होते हैं, अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ये चीज आती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइकोलेटरल बंडल। अब ये किसकी बात है, वेस्कुलर बंडल की, और वो फ्लावर की बात है, तो ऐसा किसमें होता है, तो अगर आपने फैमिलीज पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कुकरबिटेसी फैमिली है, जिसमें यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर होता है और वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, बाइकोलेटरल। तो ये बॉटनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म वेसल्स आर एब्सेंट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत कम प्लांट्स हैं आपके, है ना, एंजियोस्पर्म्स में तो सब में वेसल्स होती हैं, लेजाइलम वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे ड्रिमिस करके आपका एक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म है, लेकिन इसमें वेसल्स जो है वो नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अ पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन सर्व एज अ कैरियर फॉर द जीन टू बी क्लोन। अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर ही रहे थे पीछे, तो ऐसा डीएनए पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जिसको आप व्हीकल की तरह यूज करते हो, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फिर है द कैपेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी पीछे जब बात हुई थी जायगोट की, है ना, तो इस ऐसी चीज को आप क्या बोलते हो, इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, मतलब सब कुछ बना सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का फादर कौन है, तो दिस इज हेबरनेट, ठीक है, इनको प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कहा जाता है। अब देखो दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए जहाँ पे फादर या डिस्कवरर के बारे में पूछ रखा है। जब द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अ प्राइस। पिरामिड्स क्या होते हैं, एंट्रोपिक लेवल्स जो हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स,
टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे लेवल्स को हम एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल को अरेंजमेंट करते हैं ट्रॉफिक लेवल में, कितने इंडिविजुअल्स के हिसाब से, नंबर को भी कर सकते हो, बायोमास को कर सकते हो, एनर्जी को कर सकते हो। सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल तीन तरह के होते हैं, नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का। नंबर और बायोमास को आप उल्टा भी कर सकते हो अलग अलग सिस्टम में, इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप, लेकिन जो एनर्जी वाला है ये हमेशा अपराइट रहता है बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर 10% लॉ ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जब भी ट्रैवल करती है तो वो थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा शो पैरासिटिज्म, कौन सी एल्गा है जो पैरासिटिज्म शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एल्गा के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से ये जो है आपकी सिफेलिरोस, ये भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं, ये एक पैरासिटिक एल्गा है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे प्लांट्स पे अटैक करे, वहाँ पे रहे, तो ये ऐसी एल्गा है जो प्लांट हायर प्लांट्स पे बैठती है और उनको क्या करती है, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। होस्ट इसके जो है वो हायर प्लांट्स होते हैं। फिर स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज बाय, तो आपको अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछता है, तो ये डिजीज जो होती है वो सर्कोस्पोरा फंगस के वजह से होती है, इसमें जो आपके प्लांट के लीव्स हैं उस पर स्पॉटिंग जो है आप आराम से देख सकते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है विल्ट ऑफ पिजन पी, ये भी एक डिजीज है, ये कौन से किसकी वजह से होती है ये आपको पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलमिंथोस्पोरियम, पाइथियम, अल्टीनेरिया, फुजेरियम, अलग अलग तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया होगा कि किसकी वजह से ये डिजीज या चीज़ होती है। तो यहाँ पे फुजेरियम जो है ये कॉजेटिव एजेंट है, किसका, विल्ट ऑफ पिजन पी, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपके पी है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, हु ऑथर द बुक डाई नेचुरलिस्ट प्लेंजिन, ठीक है। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है इसलिए इस तरह से लिखा गया है, तो कौन से ऑथर हैं इसके, देखिए जी जो आपके प्लांट की क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है, बाद में फैमिलीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था एंगलर एंड प्रांटल ने, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। फैमिलीज जो है प्लांट में उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ये आप बॉटनी के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ स्पेसिमेन डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेटा, सेम डेट एंड सेम लोकेशन। अब क्या होता है प्लांट के केसेस में हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी एक एरिया से, हम प्लांट को लेके आएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक टाइप ऑफ स्पेसिमेन जो है वो हम बताते हैं, हर्बेरियम बनाते टाइम हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इन्होंने कहा है कि एक स्पेसिमेन मिला है विच इज डुप्लीकेट, जो आपको ओरिजिनल मिलता है उसको आप होलोटाइप कहते हो, कहते हैं डुप्लीकेट है होलोटाइप का, लेकिन सेम कलेक्शन से निकाला गया है और सेम डेट पे है, सेम लोकेलिटी पे, तो ऐसे स्पेसिमेन को आप कहते हैं लेप्टोटाइप, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, लेप्टोटाइप, ये भी हम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं। फिर है ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ओवरी वॉल, कहाँ पे नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स में, यही तो फर्क है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, है ना, कि वहां पे क्या है आपका कोट जो है वो नहीं प्रेजेंट होता, तो यहाँ पे ओवरी वॉल नहीं है ओव्यूल के बाहर, तो कौन सा है। अब इनमें से अगर आपको ये पता है कि विच वन इज अ जिम्नोस्पर्म, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, साइकस, सॉरी नॉट रोज, साइकस, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एडिशन टू नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। कभी कभी प्लांट में ऐसा होता है कि लीफ जो है या स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, हम फाइलोक्लैड वगैरह पढ़ते रहते हैं ऐसे, तो इनमें से कौन सा जो आपका प्लांट है उसमें पूछा है कि लीफ भी क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर रही है और रिप्रोडक्शन भी कर रही है, तो ऐसा जो है आपका प्लांट वो कौन सा है, टेरिस है, ठीक है, ट्रायोफाइट्स में मोस्टली ऐसा होता है, तो टेरिस है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो यहाँ पे सामने जिसने भी बैक्टीरिया पढ़ा है उसको पता है कि मीजोजोम जो है वो बैक्टीरिया में होता है इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका कहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमें मीजोजोम की जरूरत नहीं है, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन, यूकैरियोट्स में नहीं होता। फिर है यूबिश बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइन फॉर्मेशन आर प्रोड्यूसन, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगर आपने थरली पढ़ा है कि कैसे आपका पॉलन जो है उसमें एक्साइन इंटाइन बनता है तो आपको ये पता होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप ऊपर ऊपर से अगर आप इंटाइन एक्साइन पढ़ के आ गए तो शायद आपको ना पता हो, तो पॉलन गिन जब बनता है तो उसमें क्लियर बनती है टैपिटम, ठीक है, तो टैपिटम जो है वहां पे यूबिश बॉडी जो है वो बनी होती है, ठीक है, तो एक्साइन फॉर्मेशन जो है उसमें प्रोड्यूस क्या होती है, यूबिश बॉडी होती है, और वहां पे एपिटम लेयर में जो होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है जी।
बेसिकली इनको ऑर्बिक्यूल्स भी कहते हैं, और ये जब स्पोरोपोलिनिन करके एक लेयर होती है, स्पोरोपोलिनिन जब ये लेयर बन रही होती है ना, तो इसके जो रेमिनेंट्स हैं वो ही ब्यूबिश बॉडी बनाएंगे, उस टाइम बनती है। ठीक है, तो पॉलन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो मतलब प्लांट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरिया। रेडिएटिंग नाम लिखा है, एक पॉइंट से शुरू हुआ है और अलग तरह से चला गया, डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, तो अडैप्टिव रेडिएशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया। प्रेडिक्टेबल चेंज किया है आपने एक स्पीसीज का, ग्रेजुअल है और वो चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया, एक एरिया की स्पीसीज में जो चेंज आया, ग्रेजुअल है, राम राम से हो रहा है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है। तो ऐसा चेंज हम सक्सेशन में देखते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि पहले पायनियर्स आएंगे, फिर उससे बड़े प्लांट, उससे बड़े प्लांट, और उसके बाद वो चेंज होते होते आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच जाएगा, वो प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा चेंज। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। हाँ, इस पे एक बहुत अच्छा DDT का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको खाने वाले कंज्यूमर हैं, उसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। अब देखिए, जो कंज्यूमर है वो एक प्रोड्यूसर को तो खाएगा नहीं, वो बहुत सारों को खाएगा, तो उसमें नंबर बढ़ जाएगा। फिर उस कंज्यूमर को, उसके ऊपर जो बैठा है, वो बहुत सारे को खाएगा। अब कैसे मैं एग्जाम्पल ये बता सकती हूँ आपको, सोच लीजिए किसी प्लांट को खाने वाला एक गोट है और गोट को खाने वाला लायन है, तो ज़रूरी नहीं ना कि लायन एक ही गोट खाए, लायन एक से ज़्यादा भी गोट खा सकता है। तो अगर उसने दो खा ली तो इसमें लेवल बढ़ जाएगा वो हार्मफुल सब्सटेंस का, क्योंकि उसने दो की खाई। वैसे जो गोट है वो एक ही प्लांट को क्यों खाएगा, वो तो बहुत सारे प्लांट को खाएगा। तो इस चीज़ को, जो एकुमुलेशन हो रही है ना हायर ट्रॉफिक लेवल पे, ये हार्मफुल सब्सटेंस की, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। DDT का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ठीक है, DDT का बायोमैग्निफिकेशन हुआ था, और उसकी वजह से जो आपके बर्ड्स हैं उन्होंने, उनमें क्या हुआ था कि जो उनके शेल हैं एग के, वो वीक हो गए थे। ठीक है, तो उनका नंबर कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, इज मेटाबॉलिकली, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग बट डज नॉट रेप्लीकेट। तो रेप्लीकेशन एस फेज में होती है, इसके बाद आपका डिवीजन है, तो G2 और G1 में आप कंफ्यूज। लेकिन देखिए, उन्होंने कहा है कि मेटाबॉलिकली आपका सेल एक्टिव है, तो जब वो प्रिपेयर हो रहा होता है सब कुछ करने के लिए, सिंथेसिस के लिए एवरीथिंग, तब सेल को बहुत एक्टिविटी चाहिए, तो ये इससे प्रीवियस वाला फेज होगा। तो G1 फेज वो है जहाँ पे आपका जो DNA है वो रेप्लीकेट नहीं करता, पर सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाटर एंटर्स द सेल वॉल इट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर, SURE है, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। वाटर जब सेल के अंदर जाता है तो वो अगेंस्ट द वॉल एक प्रेशर लगाता है। अब यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं वॉल प्रेशर, ये वॉल प्रेशर नहीं है। अगर ये सेल है, इसके अंदर चला गया वाटर, तो ये वाटर यहाँ पे यहाँ प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को आप कहते हो टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर के ऑपोजिट में जो वॉल प्रेशर लगाएगी, दैट इज द वॉल प्रेशर। ठीक है, वाटर की वजह से जो लग रहा है वो क्या है, वो टर्गर प्रेशर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का ये क्वेश्चन आपसे पूछा। नेक्स्ट है, इन प्लांट्स के पॉजिटिव आयन आर एसेंशियल फॉर, तो आपके प्लांट्स में जो के पॉजिटिव आयन हैं वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द चार्ज ऑफ सेल, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ IA, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगर आपने स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोजिंग पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि स्टोमेटा जब ओपन होना होता है तो सेल को टर्जिड होना पड़ता है, उसमें वाटर अंदर होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे हम एक ही आयन पढ़ते हैं, दैट इज पोटेशियम आयन। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम आयन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सेल वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। तो जो इनकी सेल वॉल है वो सोप बॉक्स की तरह से फिट हो जाती है, तो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, डायटम्स। ठीक है, तो इनमें से जो क्राइसोफाइटा है ये डायटम का पार्ट है, तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल, 11th क्लास में आई थिंक क्लासिफिकेशन में ही ये चीज़ आप पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन एंटीकेसिस ड्रग टैक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, टैक्सोल का नाम बहुत हम सुनते हैं, ठीक है, काफ़ी यूज़ किए जाने वाले ड्रग है, तो ये टेक्सस जो है उससे आपके ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, ये भी क्लासिफिकेशन से आगे वाला आपका पार्ट है, फंगस वगैरह जहाँ आप पढ़ते हैं, तो वो पूछा गया है कि सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं एक्सोजीनसली, क्योंकि कई में एंडोजीनसली भी बनते हैं, तो कौन सी ऐसी फंगस है जिसमें ये कैसा बन रहा है आपका, एक्सोजीनसली ये स्पोर जो है बन रहे हैं। ठीक है, तो एल्बुगो जो है आपकी, ये वो वाली फंगस है जहाँ पे कैसी बनती है, एक्सोजीनसली बनती है।
ठीक है. नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल एंड फाइकोरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ. तो अगर आपको क्लोरोफिल नहीं भी है, फाइकोरिथ्रिन आ गया ना रेड कलर, तो कहाँ चले जाओ सीधे रोडोफाइसी. ठीक है, तो रोडोफाइसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर. पिगमेंट्स है ये भी हम पढ़ेंगे. ये स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके. फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनरी. देखो फिर से वही चीज आ गई, स्टार्टिंग के ही बिल्कुल जब क्लासिफिकेशन आप शुरू करते हैं तब के ये जो है आपके क्वेश्चन प्रेजेंट है. ठीक है ना, तो फियोफाइसी करके आपकी एक फैमिली है, वहां पे एल्गल, ब्राउन एल्गल जिसको कहते हैं, उसमें लेमिनरिन या मैनिटोल आपका स्टोर्ड फैट फूड होता है. अगला क्वेश्चन है, टू अनइक्वल फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन द ज़ूस्पोर्स. अब ज़ूस्पोर्स देखो फैमिली से इकट्ठे कितने सारे क्वेश्चन है, तो ये जो चैप्टर्स हैं फैमिलीज वाले आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं. ठीक है जी, तो आपसे पूछा है कि टू अनइक्वल फ्लैजेला, फ्लैजेला है लेकिन अनइक्वल है, तो और ज़ूस्पोर्स में प्रेजेंट है. ज़ूस्पोर्स आर ओनली स्पोर विच कैन बेसिकली मूव. तो ये कौन सी वाली फैमिली में होते हैं आपके, आपको दे रखा है ऑप्शन में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी. तो इनमें से कौन सी वाली फैमिली में ऐसा होता है, तो हमें पता है कि दिस इज दी ब्राउन वेल्गा वाली फैमिली है, उसमें ऐसा होता है, तो फियोफाइसी जो है इसका आंसर है. आपने इकट्ठे काफी क्वेश्चन देख लिए ये वाले, तो अच्छे से पढ़ना है इन चीजों को. स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट. कभी कभी क्या होता है, जो गमीटोफाइट, देखो प्लांट में दो तरह की स्टेज, गमीटोफाइट स्टेज आती है, स्पोरोफाइट स्टेज. स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, गमीटोफाइट से गमीट बनते हैं. समटाइम्स जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन द गमीटोफाइट, ऐसा बहुत बार होता है. ब्रायोफाइट में ऐसा बहुत होता है. तो मैंने पूछा इनमें से कौन सा वाला है, तो एस्ट्रेला जो है आपका ये ऐसा प्लांट है जिसमें ऐसा देखा गया है. ठीक है ना. नेक्स्ट, जैक्टेड सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन. अब ये जिन्होंने अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी है उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा. तो यहाँ पे जैक्टेड सेक्स जो ऑर्गन है उसकी बात करिए. पहले आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली जो आपके गेमीट्स बनेंगे उनके अराउंड स्टराइल सेल्स ऐसे लेयर बना देते हैं, इसी को जैकेट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन किस में होते हैं, तो मोस्टली जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है, अब हम वापस आ गए अपने बायोलॉजी वाले, सॉरी बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी के पोर्शन में. तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है, सबको पता है कि दे इट मेक्स अ राइट बॉन्ड. तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अमीनो एसिड एक्टिवेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड. तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, इन यूकेरोट्स ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम टू. अब यूकेरोट्स और प्रोकेरोट्स में ट्रांसलेशन मैकेनिज्म बेसिक चाहे सेम रहे, थोड़ा फर्क रहता है, पर जो स्टार्टिंग है इनिशिएशन है उसमें बहुत अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है किससे बाइंड करता है, प्रिग्नोबॉक्स से बाइंड करता है कि किससे बाइंड करता है, तो आपको पता होगा कि यूकेरोट्स में कैपिंग और टेलिंग करके जो है आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है ना. तो कैप जो होती है वहां पे सबसे पहले जाके आपका राइबोसोम बाइंड करता है, तो 5' कैप जो है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज कंडक्टेड बाय वर्की टू डिस्कवरी बाय हूम. यहाँ पे डैश है कि किसने करी थी ये स्टडी, जिससे आप एक स्टडी हुई थी एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिससे डीएनए पे वो स्टडी हुई थी. उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइफर कर लिया था साइंटिस्ट. ठीक है, तो ये पूछ रहे कि वो स्टडी करी किसने थी, तो हम सबको पता है फ्रैंकलिन जी हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था. इसके बाद वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर हमें बताया, बीडीएनए का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है आपका, लार्जेस्ट मेल गैमेट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. प्लांट्स की बात करें सबको पता है साइकस इसका करेक्ट है. ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बार बार अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं है. ठीक है, इन चीजों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं आपके जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, बट देखो आप कुछ पोर्शन ऐसा भी आया जो याद करने वाला है. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, डीएनए सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5' to 3', ये आप पढ़ लेते हैं बहुत ही जल्दी सेकेंडरी सेक्शन में. नेक्स्ट आता है आपका, द सेल्स विच लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस ऑफ मैमल्स. अब ये जो क्वेश्चन है ये अगर जिन्होंने बहुत ध्यान से सेल की स्टडी करी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखा है अच्छे से, तो उनको शायद ही आता हो. मोस्ट ऑफ द जनता जो है इस क्वेश्चन को गलत ही लगा के आती है. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए, मुझे सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करते हैं बेसिकली. ठीक है,
विच ऑफ द सेल लाइन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, हाँ लाइन करते हैं। तो ट्यूबुल के अंदर तो हमें पता कौन कौन से सेल होते हैं, लेडिक सेल है, सर्टोली सेल्स हैं और जर्मिनल सेल्स हैं, लेकिन उनको लाइन करने वाले वो सेल्स होते हैं जो स्मूथ मसल वाले सेल होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है मायोट सेल्स। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आयंस आर नेसेसरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जब आपने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी होती है उसी टाइम पे हमें आयन चाहिए होता है कैल्शियम। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आयन इसमें क्या है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिए, द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, अब थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन आ गया ये, तो कहाँ पे मिलता है आपको, काजीरंगा, रेवा, सुंदरबन, जिंदगौर। तो सुंदरबन जो है आपके वहां पे आपको ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है ये आपको वहां पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन से सेल में नेजल ग्रेन्यूल होते हैं, क्या होते हैं नेजल ग्रेन्यूल। बेसिकली आपका ER जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही इकट्ठा इकट्ठा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूरॉन्स में या नर्व सेल्स जिसको आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज वो होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं। तो थैलेसीमिया हेरिडिटरी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हेरिडिटरी है, हीमोफीलिया भी हेरिडिटरी है, क्रिटिनिज्म जो है ये क्या है, थायरॉयड हार्मोन जो है वो नहीं बनेगा अगर जब थायरॉयड ग्लैंड वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, में बेबीज में जो न्यू नेट्स होते हैं, जो नए अभी पैदा हुए बच्चे हैं, तो उनमें ये बीमारी होती है क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। थैलेसीमिया जो है आपका ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, उसकी बीटा चेन से। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका चैनल से रिलेटेड है। हीमोफीलिया भी आपका जो है क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। ये सारे आपके जेनेटिक हैं एक्सेप्ट दी क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन इज कॉल्ड। एकदम से जीन का स्ट्रक्चर फंक्शन कुछ चेंज हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, है ना, सडन चेंज को क्या कहते हो आप, म्यूटेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बर्ड द क्रॉप मिल्क इज, बर्ड में एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है क्रॉप, वहां पे क्रॉप मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये दोनों ही बर्ड्स में होता है, ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल में होगा, तो मेल बर्ड में भी होता है, फीमेल बर्ड में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउल इज, अब आउल का ये पूछा है कि आउल क्या है आपका, डायर्नल है, क्या क्रेपस्कुलर है, वेस्परटाइन है। अब ये क्या है चीजें, कि दिन में एक्टिव है कि रात में, अब हम सबको पता है आउल कब एक्टिव होता है, रात में। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो नॉक्टर्नल। ठीक है जी, डायर्नल डे में होते हैं एक्टिवेट, ये नॉक्टर्नल होता है, हम क्या है, हम डायर्नल है। मंकीज आर डिजिटीग्रेड, प्लांटीग्रेड, अंग्लीग्रेड एंड ब्रेडिपस, व्हाट इज दिस। अब जिस तरह से हम चलते हैं, ठीक है, तो हम अपने जो पाम है उसको कम्प्लीटली उस पर लगा के चलते हैं, किस पे, ग्राउंड पे। सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं चलते हैं ना, जैसे अगर आप कैटल्स को देखेंगे तो वो सिर्फ अपने डिजिट के टिप को लगा के चलते हैं, कई होते जो पूरा डिजिट लगा के चलते हैं। तो ये वही पूछा गया है कि किस तरह से वॉकिंग मूवमेंट होती है, तो मंकीज जो है वो हमारी तरह ही चलते हैं बिल्कुल जैसे हम चलते हैं। ठीक है, पूरा जो पाम है वो नीचे लगाते हैं, तो कार्पल्स उनके बिल्कुल अटैच होते हैं नीचे, अटैच नहीं मतलब बिल्कुल टच करते हैं ग्राउंड को। तो ये वाले जो होते हैं ऐसे को हम कहते हैं प्लांटीग्रेड, कार्पल्स और डिजिट दोनों टच हो रहे हैं जब चल रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटीग्रेड है वो सिर्फ डिजिट्स को टच करते हैं, जैसे आपके बर्ड्स होते हैं। जो अंग्लीग्रेड हैं वो आपके क्या करते हैं, डिजिट के बट टिप, जैसे कि आपके इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं ना अंग्लेट्स, जो आपके कैटल्स होते हैं वो वैसे चलते हैं। ठीक है, और ब्रैडिपस ये तो आपका स्लॉथ है, एक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कन्फ्यूज करने के लिए आपको, पर इसका सही आंसर क्या है, प्लांटीग्रेड, आपका जो मोशन है वो भी प्लांटीग्रेड ही है। केलियांटीटर बिलोंग्स टू द ऑर्डर, ये क्लासिफिकेशन से फिर से क्वेश्चन है आपको, तो यूथीरिया जो है इससे बिलोंग करता है आपका केलियांटीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पर्ल ओयस्टर इज, इसका नाम पूछा है, तो पिंगटाडा। अब आपको बस कॉमन नेम और जो बायोलॉजिकल नेम है वो दोनों पता होने चाहिए, तो पिंगटाडा जो है ये पर्ल ओयस्टर है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स वर द फर्स्ट टू इवॉल्व टू फ्लाई। अब पहली बार कौन हुए थे उड़ने के लिए, तो हमें वर्टिब्रेट्स में तो हमें पता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में भी एक क्रीचर आया था, ठीक है ना, आर्कियोटेरिक्स। लेकिन उससे पहले इनवर्टिब्रेट्स में भी देयर इज वन ऑर्गेनिज्म, जोड़ सकते हैं, कौन से हैं जी, ठीक है ना, सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, तो सी। नेक्स्ट, फिलोमिक फ्लूइड हेल्प्स इन द लोकोमोशन इन। अब जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है आपने, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हाइड्रा, अर्थफॉर्म, फ्रॉग, स्टारफिश, तो पूछे कि लोकोमोशन के लिए क्या जरूरी, फिलोमिक फ्लूइड चाहिए।
अर्थवर्म के पास कोई अपेंडेजेस नहीं है, उसके पास फ्लूड होता है, वो फ्लूड जैसे जैसे मूव करेगा तो अर्थवर्म भी मूव करता है, ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सीलेंट्रेट इज, सीलेंट्रेट आपका फाइलम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सब जितनी बार भी मैं ये पढ़ाती हूँ आपको कहती हूँ हर फाइलम का आपको एक ना एक फीचर ऐसा पता होना चाहिए जिससे आप उस फाइलम को डिस्टिंग्विशली बता पाओ, बहुत सारे कॉमन फीचर होते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस के सेल्स होते हैं, सेल्स का नाम है नीडोब्लास्ट, ठीक है, निमेटोसाइट्स में होते हैं नीडोब्लास्ट, तो ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, कौन सा टिश्यू टाइप है, तो मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कैसा टिश्यू है। ब्लड एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का भी काम करता है, मतलब मैसेज को भी लेके जाएगा और वहां से जैसे न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहां पे भी बॉडी में चाहिए, तो कनेक्ट करने का काम करता है, ऐसे टिश्यू को आप कहते हो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सी होगा। नेक्स्ट पूछा है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो बी और टी सेल होते हैं, बी सेल आगे डिफरेंशिएट करके मेमोरी और प्लाज्मा सेल बनाते हैं, उसमें से जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो आपके क्या सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो लिम्फोसाइट नहीं लगाना है इसका आंसर एंटीबॉडीज के लिए। फिर है पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या है आपका, हेटरोक्राइन ग्लैंड है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करता है, जैसे हॉर्मोन्स हो गए, आपके जूस हो गया पैनक्रियाटिक, तो ये तीनों चीज़ें इंसुलिन, ग्लूकागन, पैनक्रियाटिक जूस, सब कुछ सिक्रीट करता है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉमन इन बोथ स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स, दोनों में कॉमन क्या है, स्ट्राइटेड मसल हो जो स्केलेटल मसल्स है और कार्डियक मसल, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में स्ट्राइशन का पैटर्न जरूर होता है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से जो स्ट्राइशन का पैटर्न है वो जरूर प्रेजेंट होता है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे एटीपी सिंथेसिस होती है, हम सारा कुछ पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद अगले स्टेप क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, और उसके बाद हमारा एटीपी सिंथेसिस से एटीपी बन गया, शुरू कैसे हुए थे हम, ग्लूकोज, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने सारा का सारा जो आपका पेपर है लास्ट जो भी हुआ था उसको हमने डिस्कस किया है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, यहाँ से आई एम होपिंग कि आपको एक आइडिया लगाओ कि किस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसी तरह की आपने तैयारी रखनी है अपनी, 11th 12th जो है उसी से आपका पेपर आता है, उसी की बायोलॉजी जो है आपको अच्छे से तैयार करनी है, दोनों बॉटनी भी और जूलॉजी भी, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आप हमें जो है इन नंबर्स पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी को हमारे पास तक पहुँचा सकते हैं, हम जो है दोनों तरह की कोचिंग सर्विसेज आपको इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, एक स्ट्रैटेजी भी देंगे कि इस तरह से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनना चाहते हैं, तो अगेन दीज आर द नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप इनको देख लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए, अगर आप जो है तैयारी करें इस एग्जाम की तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम होपिंग कि दिस इज हेल्पफुल टू यू, एंड आई विल सी यू अगेन होपफुली, थैंक यू।